भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नादौन का दौरा किया और इस दौरान नादौन में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। अनुराग ठाकुर ने यहां प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि प्रदेश सरकार लगातार जन विरोधी फैसले ले रहे हैं। हाल ही में टॉयलेट सीट टैक्स वाले मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि प्रदेश सरकार की ऐसी सोच दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य में टॉयलेट टैक्स लगाने के लिए, शौचालय पर भी टैक्स लगाने के लिए, यानी कि शौच जाने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। अगर ऐसी स्थिति प्रदेश में कांग्रेस ने लाकर खड़ी कर दी तो मानसिकता दिखाती है कि एक और तो प्रधानमंत्री जी 10 साल मना रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के, हमने 12 करोड़ नए शौचालय बनाकर दिए गरीब जनता को कि खुले के शौच में ना जाएं, ओपन डेफिकेशन फ्री हम लोग करें और उसमें हमने सफलता पाई। दूसरी ओर राज्य की सरकार में इस तरह के प्रयास चल रहे थे कि टॉयलेट टैक्स लगाया जाए, शौचालय टैक्स लगाया जाए। आप सोचिए, इस सोच के ही शर्म आती है। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने हरियाणा चुनाव में भाजपा को जनसमर्थन मिलने का दावा किया और कहा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी और जनता का भाजपा को पूरा समर्थन है। वहीं अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 293 करोड़ रुपए की लागत से 5 सड़कें देने के लिए भी आभार जताया और कहा कि ये हमीरपुर के लिए बहुत बड़ी सौगात है। मैं धन्यवाद हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 293 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली हमारी 5 सड़कों को मंजूरी दी है। इससे हमारे क्षेत्र को लाभ मिलेगा। नहीं तो आज हालत हिमाचल की ये है, अगर केंद्र की परियोजनाओं के पैसे ना मिलें तो विकास ठप है। नेशनल हाईवे बन रहे हैं, हमारी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कें बन रही हैं, CIRF की सड़कें बन रही हैं। अगर इनका पैसा आ रहा है तभी प्रदेश में विकास हो रहा है। राज्य की सरकार तो कोई भी ना नया प्रोजेक्ट कर पा रही, ना ही रिपेयर कर पा रही।